गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 समझा दिया, अब इस बार हमने आपको क्लास वर्क प्रोवाइड करने का फैसला किया है, तो हम यहाँ से आपको जो क्लास वर्क प्रिपेयर करके देते हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। और क्लास वर्क कंप्लीट करने के साथ क्लास वर्क प्रिपेरेशन, क्लास वर्क को आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि हम क्लास वर्क जितनी आपकी अच्छी होगी उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। आपको क्लास वर्क में से भी लर्न करना है, टेस्ट में क्लास वर्क में से भी पूछा जाएगा और वर्कबुक में से भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको दोनों बुक जो है वो संभाल के एकदम रखनी है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्लास वर्क में लिखना है। तो हम देखो, आपको मैं क्लास वर्क में बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपकी क्लास वर्क इसी तरह से प्रिपेयर होगी। देखिए यहाँ पे शेप्स के नेम्स दिए गए हैं, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल एंड स्क्वायर। ओके, तो शेप्स के नेम के नीचे आपको आपके लिए स्पेस रखी गई है, यहाँ पे आपको लिखना है नेम्स, सर्कल्स, स्क्वायर, फिर हमने जो टॉपिक्स पढ़े उस टॉपिक्स के बारे में है। थिकर मतलब कि मोटा, बिगर बड़ा, नियरेस्ट नजदीक, फार्थेस्ट दूर, रोल्स जो रोलिंग होता है, स्लाइड जो एकदम सीधे से एकदम स्लाइड हो जाता है, टॉप ऊपर, मिडल बीच में एंड बॉटम मतलब कि नीचे। ये आपको लिखना है इसके स्पेलिंग्स। एक बार फिर से बोल रही हूं, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स, थिकर, बिगर, नियरेस्ट, फार्देस्ट, रोल्स, स्लाइड, टॉप, मिडल, बॉटम। फिर यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है आपको, पुट राइट फॉर द बिगर एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। राइट करना है बिगर ऑब्जेक्ट के लिए और रॉन्ग करना है स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये सबसे बड़ा है, यहाँ राइट करना है, यहाँ आपको रॉन्ग करना है। उसी तरह से आपको इन सब में अपने आप से करना है, बड़े ऑब्जेक्ट पर राइट और छोटे ऑब्जेक्ट पर रॉन्ग। फिर आपको नंबर्स 1 to 100 दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो इतना आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। थैंक यू।